डायरेक्टेड बाय नीरज पांडियन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा, पूजा चोपड़ा, रकुल प्रीत सिंह, मनोज बाजपाई, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह अय्यारी, इज अ क्राइम थ्रिलर बेस्ड ऑन द आर्मी एंड हैज फाइनली सीन द लाइट ऑफ डे एंड मेड इट्स वे टू द थिएटर्स। लेट्स हियर व्हाट द पब्लिक थिंक्स ऑफ दिस फिल्म व्हिच हैज बीन बैंड इन पाकिस्तान। बहुत अच्छे, सस्पेंस से एंडिंग तक बहुत अच्छा है। मतलब पर मनोज बाजपाई और सिद्धार्थ का जो दिमाग लगाया मूवी में, वो एंडिंग तक पता नहीं चलता। सस्पेंस बहुत अच्छे, सॉन्ग्स अच्छे। अच्छा, तब पर सस्पेंस मूवी में आप रोमांटिक सॉन्ग तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आर्मी हम लोग के लिए इतना कुछ करता है बॉर्डर पे, फिर जो करप्शन हो रहा है, तो आर्मी को कैसा लगता है ये सब देखे? ये मूवी स्टोरी भी अच्छी थी, डायरेक्शन अच्छा था, नीरज पांडे तो डायरेक्शन तो अच्छा, सॉन्ग्स भी अच्छे थे। लेट उबर सॉन्ग था वो एक अच्छा था। सबसे अच्छी एक्टिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा। मूवी मेजरली पेट्रियोटिज्म दिखा रही है, सोच बदलेगी नहीं, अच्छी हो जाएगी, मूवी अच्छी है। पिक्चर भैया अच्छी नहीं है, पिक्चर को एंटरटेनिंग भी नहीं है और पिक्चर को हिट होने वाली भी नहीं है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का अच्छा एक्टिंग है, नसीरुद्दीन शाह है, अनुपम खेर है सब, लेकिन ये एक्टिंग देखने के लिए सबसे बेस्ट मूवी है, लेकिन स्टोरी वाइज जीरो है। और जो डायरेक्टर का मन में है और जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा। ट्रेलर तो मैंने दो तीन बार देखा और आज भी ऑफिस छोड़ के पहले दिन ही पिक्चर देखना आया, लेकिन मूवी का रिस्पॉन्स जीरो आएगा, कोई लग नहीं रहा कि चले। सर, मूवी से हमको बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए हम लोग मूवी देखने आए थे और पहला शो था मॉर्निंग शो में, नीरज जी का फिल्म है। उनकी सारी फिल्में मैंने देखी है, एज ए डायरेक्टर मैं उनको बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं बना पाई जितनी उम्मीदें थी। एक्टर ने सबने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत बकवास है। कॉन्सेप्ट अच्छा था, इंडिया में जो करप्शन चल रहा है सेना का, मिलिट्री का जो दिखाया, लेकिन जहाँ वो ले जाना चाहते थे वो समझ में आता नहीं कि आखिर बताना क्या चाहते थे, बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक को ये फिल्म पसंद आएगी। स्टोरी अच्छी नहीं थी, लाइक सस्पेंस था, बट एक्चुअली में फिल्म में है क्या पता नहीं चल रहा है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं। नीरज पांडे था क्योंकि लाइक ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, बट स्टिल फिल्म जैसे एक्सपेक्टेशंस थी वो खरी नहीं उतर पाई। मनोज बाजपाई ही इज़ दी बेस्ट एक्टर। सॉन्ग्स दो तीन ही शायद सॉन्ग्स है उसमें, ले डूबा वही ठीक है, बाकी सब लाइक 1.5। हैव यू सीन अय्यारी येट? इफ सो डू शेयर विद अस योर कमेंट्स।